चले आए आप मुझे। कार्यालय को सब रखवा लेते हैं, ऊपर जलाते हैं, ऊपर जलाते हैं कार्यालय में। हनुमान मंदिर भोलेपुर जी, भोलेपुर बड़ा चौराहा कौन सा है? फतेह चौराहा, यहाँ पिकेट बैठती है, पुलिस पिकेट बैठती है सर। कलेक्ट्रेट परिषद बुला रहे निर्माण कि वो सुबह, मैं तो खुद ही टहलने जाता हूँ सुबह 4:30-5 बजे, हमारे सेनापद मोहल्ले में कम से कम 25-30 बंदरों को हमारी नमस्कार होती सुबह। रोड एक गली बता रहा हूँ मैं, एक गली में, और इतने बंदर लोगों को काट चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अपने पास क्या कार्य योजना, कौन देख रहा बंदर? आपकी क्या कार्य योजना है कि बंदर से निजात फरुखाबाद की जनता को कैसे दिलाई जाए? रजत क्रांतिकारी के घर पर कितने लोगों ने लिखी भेजा कि हमारे जिसकी दुकान उसके पास मिलने कोई तरीका नहीं है? नहीं, मान लो कोई भी लिख के भेज दो तो उस हिसाब से आप काम करोगे या अपने विवेक? लकड़ी कहाँ डलेगी ये आप डिसाइड करते हो या ये डिसाइड करते हो? नहीं, ये डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, ये तो सर डिमांड आती है, जैसे वो जा करके दरखास्त दे दिए DM साहब के किसी ने, तो या पहले तो जो जनता के इससे जुड़े आम मुद्दे हैं फरुखाबाद के नगर के क्षेत्र से, उस संबंध में हमने नगर पालिका के अधिकारियों से बात की, जो यहाँ पे कार्यरत स्टाफ है उनसे भी बात की, एक कार्य योजना तय हुई है। यहाँ के जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो ज्वलंत हैं समस्याएं, तो और भी हैं, उसको हम दूसरे चरण में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज में सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त कोहरा सर्दी गलन चल रही है, इसमें आम जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद आदमी है, उसके लिए अलाव की आवश्यकता है। हमारी योगी सरकार उनके लिए लगातार कंबल वितरण कर रही है, लेकिन फिर भी रात्रि में ऐसा होता है कि ठंड ज़्यादा पड़ जाती है या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए अलाव की आवश्यकता है। तो हमने EO साहब से और बाकी उन लोगों से कहा है कि ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जाएँ जहाँ वास्तव में अलाव की आवश्यकता है, और इसके लिए सफाई नायक हैं उनका सहयोग लिया जाए, अन्य लोगों का सहयोग लिया जाए, और जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष नहीं, सार्वजनिक रूप से जनता के लिए जहाँ आवश्यक है वहाँ इसको चिन्हीकरण करके एक सूची बनाए, उसके बाद ये लोग अपनी कमेटी बना के वहाँ पर अलाव जाने की व्यवस्था की जाए। जो इन्होंने बताए हैं कि 65 पॉइंट पूरे फरुखाबाद नगर पालिका में हैं, मुझे लगता है वो अपर्याप्त है, इनके अलाव जलाने के पॉइंट्स को बढ़ाया जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। दूसरी समस्या फरुखाबाद की, जो आपको भी मालूम है आम जनमानस में है, और जो बहुत से महिलाएँ और बहुत से लोग कहते हैं, वो है यहाँ बंदरों की समस्या। अक्सर लोग यहाँ पे बंदर जो है वो महिलाओं को काट लेते हैं, लड़कों को काट लेते हैं, परेशान हो जाते हैं वो, तो उसके लिए भी हमने एक कार्य योजना डिस्कस की आपसे अधिशासी अधिकारी से कि किस तरीके से बंदरों के संबंध में आप योजना बनाएं। तो इन्होंने कहा है कि हम DFO से बात करेंगे और उन बंदरों को दूर छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। आपका कहना है कि चूँकि अगल बगल के ज़िलों में छूट जाते हैं तो फिर वो वापस फरुखाबाद में आ जाते हैं, इससे ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये एक गंभीर मुद्दा है और मुझे लगता है कि नगर पालिका का स्टाफ इसको गंभीरता से लेते हुए इससे फरुखाबाद की जनता को निजात दिलाएगा। इसी प्रकार से आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी मैं
उसके लिए भी हमने जब बात की है तो एक नया पिंजरा का उन्होंने कहा है कि हम पिंजरे का निर्माण करेंगे और उस पिंजरे का निर्माण करके जो गली गली आवारा कुत्ते घूमते हैं उन लोगों को काट लेते हैं उनको उसमें कैच करके उनको व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो अक्सर देखा जाता है फर्रुखाबाद की उस पर सांड बहुत घूमते रहते हैं और लोगों को मार देते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, उसके लिए भी हमने कहा है कि आप कार्य योजना तैयार करिए। आपने बताया कि प्रतिदिन हम इतने इतना संख्या बताइए, इतने इतने पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फर्रुखाबाद में हम आप भी जानते हैं, हम भी देखते हैं कि ये बड़ी बहुत बड़ी विकट समस्या है, तो इससे निजात पाने के लिए भी आज एक प्रारूप तय किया गया है। तीसरी चीज़ है साफ़ सफाई की। हम लोग चाहते हैं कि फर्रुखाबाद भी अन्य महानगरों की तरह चमके, यहाँ की जनता को भी गर्व हो कि ऐसे साफ़ सुथरे शहर में हम रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने मैंने एक नारा दिया है कि क्लीन फर्रुखाबाद और ग्रीन फर्रुखाबाद। अब मैंने इनसे कहा है कि क्लीन फर्रुखाबाद आप कराइए, शहर है वो अपने आप पौधे उगाएगी और इसको ग्रीन कर देगी। क्लीन फर्रुखाबाद सफाई के लिए कोई भी गली ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर गंदगी पड़ी हो, हर गली साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमने इसमें जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, किराए हैं, चौराहे हैं गलियों के अंदर जहाँ पर खाली स्थान पड़े हुए हैं और मलबा पड़ा हुआ है और गंदगी पड़ी हुई है, उसके लिए मैंने यहाँ के राजस्व टीम से भी मदद ली है, जिसमें SDM साहब से हमारी बात हुई है और उनसे मैंने कहा है कुछ लेखपालों की मदद अगर हमें मिल जाए तो नायब तहसीलदार जी भी यहाँ बैठी हैं, इनके नेतृत्व में 8 लेखपालों को निश्चित किया गया है जो एक सप्ताह में पूरे फर्रुखाबाद नगर पालिका में भ्रमण करके ये रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, मैदान हैं या छोटे छोटे ग्राउंड हैं तिराहे पे चौराहे पे जहाँ गंदगी पड़ी रहती, मलबा पड़ा रहता है और जिससे बीमारियाँ फैलती हैं, बदबू आती है। एक सप्ताह में रिपोर्ट नायब तहसीलदार जी के पास आ जाएगी, वो EO साहब के साथ बैठ के और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे साथ बैठ के उसका एक निरीक्षण कर लेंगे। उसके बाद जो आपके चीफ इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाकर सफाई नायकों को उसमें जिम्मेदारी सौंपी जाए कि फलाना फलाना मैदान या फलाने वार्ड के ये 2-3 मैदान जो ख़राब हैं, गलत हैं, ये गंदे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी टीम लगाकर इसको एक लिमिटेड टाइम में सफाई कराएं जिससे लोगों को कूड़े से निजात मिल सके। इसी प्रकार से जलकल विभाग से भी बात हुई है क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि ट्यूबवेल कुछ ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ट्यूबवेल सारे सही हैं, तो मैंने कहा एक बार हमको उनका भौतिक निरीक्षण करा दिए चल के क्योंकि मेरी जानकारी में कुछ ट्यूबवेल ख़राब पड़े थे, कुछ टंकियाँ लीकेज हो रही थी, तो ये एक सप्ताह के बाद हम और EO साहब और जलकल विभाग के जो के अधिकारी हैं ये जाकर उस पर भी निरीक्षण करेंगे जिससे पेयजल हम फर्रुखाबाद की जनता को अच्छी तरीके से उपलब्ध करा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना आई है जिसमें फर्रुखाबाद को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, इसमें ये सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्रुखाबाद का भी चयन किया है और इस योजना के तहत संभवतः 3 करोड़ के आसपास धन आवंटित होगा, जिसकी DPR हम लोग सब लोग आपस में बैठकर तैयार करेंगे, पब्लिक में आम जनता से विचार विमर्श करके, कुछ प्रबुद्ध लोगों से, कुछ जो सेवा कार्य में लगे रहते हैं ऐसे सामाजिक लोगों से, जिससे फर्रुखाबाद में उस कार्य योजना में किन किन चीज़ों को लिया जाना है वो एक प्रारूप तैयार हो और जिससे वो सुचारू रूप से वो योजना भी यहाँ चल सके। तो ये प्रमुख बिंदु आज विचार विमर्श हुआ है जो आम ज्वलंत समस्याएं आज की हैं। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें लोग बताते रहते हैं, लेकिन अब एकदम इतना लोड डाल देना किसी भी संस्था के ऊपर उचित नहीं है, इसलिए आज व्यावहारिक रूप से प्राथमिक चरण में ये सारी वार्ता नगर पालिका के साथ हुई है और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि नगर पालिका की पूरी टीम पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी जवाबदेही के साथ इन चीज़ों पर लगेगी और फर्रुखाबाद की सूरत बदलने का प्रयास करेगी। इसी संबंध में आज हम लोग बैठे सर अमृत योजना का बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर, बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फर्रुखाबाद।